हेलो बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 3 में हम लोगों ने किसी डाइपोल की वजह से उसकी अक्ष पर विभव का व्यंजक और उसकी निरक्ष पर विभव के व्यंजक को ड्राइव किया था। आज हम लोग लेक्चर 4 में सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी सब विभव पृष्ठ को पढ़ेंगे। चलिए तो लेक्चर 4 को हम स्टार्ट करते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ सरफेस के लिए, कुछ पृष्ठ के लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने एक कोई बिंदु आवेश ले लिया, ये कोई हमने एक धनावेश ले लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। अगर हम इसकी वैद्युत बल रेखाओं को ड्रॉ करें तो ये वैद्युत बल रेखाएं आपको पता है इस चार्ज से दूर जाएंगे। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं किसी सिंगल चार्ज की वजह से हमेशा उस चार्ज से निकलकर अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं, तो उसकी वैद्युत बल रेखाओं की जो आपको पोजीशन होगी वो ये होगी। अब हम क्या काम करेंगे, इस चार्ज को सेंटर मानकर, इस चार्ज को केंद्र मानकर कुछ गोलीय पृष्ठ खींचेंगे। हमने यहाँ पर इसको सेंटर माना और सेंटर मानकर हमने एक गोलीय पृष्ठ ये खींच दिया। ये जो हमने गोलीय पृष्ठ खींचा है, इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो एक समान होगी। मतलब इसके चार से इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट की जो दूरी होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। अब आपको पता है किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो विभव होता है वो B=1/4πε0Q/R होता है। अगर हम इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर विभव निकालेंगे तो वो विभव हर पॉइंट पर समान होगा। अगर हम इस दूरी के लिए R1 मान लें, इसकी जो त्रिज्या है अगर हम R1 मान लें, तो जितना विभव, मान लीजिए विभव ये V1 है, इसकी वजह से यहाँ पर होगा, उतना ही विभव यहाँ पर होगा, उतना ही विभव यहाँ पर होगा, उतना ही विभव यहाँ पर होगा। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पृष्ठ के हरेक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के हरेक बिंदु की चार्ज से दूरी समान है, और चार्ज से जब दूरी r समान है, चार्ज की वैल्यू भी समान है, इसीलिए इस सरफेस के हर पृष्ठ, हर बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो समान होगा। अब हम इसकी त्रिज्या को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसकी रेडियस को अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो जो पोटेंशियल होगा वो डेफिनेटली इस पृष्ठ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पृष्ठ के भी हर एक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से इस पृष्ठ की हर एक बिंदु की दूरी भी समान है और चार्ज भी समान है, इसीलिए इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, समान होगा। यहां अगर V2 है तो यहां भी V2 होगा, यहां भी V2 होगा, यहां भी V2 होगा। आप कहीं पर इस सरफेस पर अगर पोटेंशियल देखेंगे तो वो समान रहेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें यहां से ये पता चला कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी भी सरफेस को ड्रॉ करें तो उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, विभव समान रहता है, और इसी पृष्ठ को कहते हैं सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या हुई, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन।
तो संविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये तो हमने किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से संविभव पृष्ठ को ड्रॉ किया है, एक संविभव पृष्ठ को हमने यहां पर खींचा है। अगर हम इसका एक कोई आवेश की रेखा ले लें और इसकी वजह से अगर हम संविभव पृष्ठ को, अगर इसकी वजह से हम कोई एक पृष्ठ खींचे बेलनाकार पृष्ठ लें, तो वो पृष्ठ आपका ये आएगा, तो वो पृष्ठ क्या आएगा, ये आएगा। यहां से अगर इसकी दूरी r है, इस रेखा से अगर इसकी दूरी r है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर जो विभव होगा इस पूरे सरफेस पर वो बिल्कुल समान होगा। आप कहीं पर भी विभव निकाल लीजिए, अगर इसे r1 मान लें तो यहां पर जो विभव होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ऐसे ही इधर भी दूरी r1 होगी तो यहां पर भी विभव क्या होगा, बराबर होगा। ये भी विभव क्या होगा, v1 होगा। ऐसे ही हम क्या काम करें, अगर हम इसकी जो दूरी है उसे थोड़ी सी बढ़ा दें, अगर हम r2 दूरी पर एक सरफेस को ड्रॉ करें तो वो जो सरफेस हमारा निकल के आएगा वो सरफेस ये होगा, वो सरफेस हमारा ये बनेगा। और यहां पर जो विभव होगा वो बदल जाएगा। अब हमने मान लिया इस पर विभव v2 है, तो यहां पर भी विभव v2 होगा, यहां पर भी विभव v2 होगा। ऐसे ही इसकी भी दूरी सेम r2 है तो यहां पर भी विभव क्या होगा, v2 होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक संविभव पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये बेलनाकार संविभव पृष्ठ हो गया, एक ये गोलीय संविभव पृष्ठ हो गया। ऐसे ही हम एक और संविभव पृष्ठ के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर हमने किसी एक पृष्ठ के लिए एक सरफेस को ड्रॉ कर लिया। चलिए इसके लिए थोड़ा सा और लाइंस को बढ़ा देते हैं। तो इस पृष्ठ की हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो समान होगा, यहां पोटेंशियल हमने V1 बन लिया। आगे चलकर हमने एक सरफेस और ड्रॉ कर लिया और यहां पर पोटेंशियल मान लिया V2, और यहां भी हर पृष्ठ पर जो पोटेंशियल होगा वो समान होगा। तो ये सब क्या है, संविभव पृष्ठ है। तो संविभव पृष्ठ क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, संविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद आता है संविभव पृष्ठ के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट एग्जाम में गुण कम पूछे जाते हैं, लेकिन गुण से रिलेटेड, जो गुण से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाकर देता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारा संविभव पृष्ठ है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस संविभव पृष्ठ के गुण होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन से ही निकल आएगी कि संविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो हमेशा समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है। देखिए इस पूरे पृष्ठ पर विभव वी वन है, इस पूरे पृष्ठ पर विभव वी टू है। ऐसे देखिए इस सिलेंड्रिकल पृष्ठ की बात करें तो इस पर विभव वी वन है और दूसरे वाले पृष्ठ पर विभव क्या है, वी टू है। तो संविभव पृष्ठ के हरेक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है, एक प्रॉपर्टी ये होगी। सेकेंड नंबर देखिए, अगर हम संविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालें तो वो विभवांतर हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों होता है वो भी हम आप लोगों को इसमें बता दें। अभी हमें एक प्लस आवेश की वजह से संविभव पृष्ठ को ड्रॉ किया था, संविभव पृष्ठ के लिए हमने खींचा था। एक हमारा ये कोई संविभव पृष्ठ है, यहां पर अगर विभव b है, यहां पर भी बी होगा, यहां पर भी बी होगा, यहां पर भी बी होगा, हर जगह विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यह संविभव पृष्ठ है। इस बिंदु पर विभव बी है और इस बिंदु पर विभव बी है, अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालें, अगर इस बिंदु को हम ए मान लें, इस बिंदु को बी मान लें, तो इनके बीच अगर विभवांतर बी ए माइनस बी बी निकालें, तो देखिए बी ए का मतलब ए पर विभव वो कितना है, जीरो, सॉरी बी, और बिंदु बी पर विभव कितना है, यहां पर भी बी
है, तो b माइनस पी कितना बचेगा? जीरो। इसका मतलब विभवांतर कितना आ गया? जीरो। तो हमेशा याद रखिए सम विभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा शून्य होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सेकेंड, सम विभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा जीरो होता है, शून्य होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर विभवांतर जीरो है तो समविभव पृष्ठ पर अगर हम किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? जैसे हम किसी चार्ज क्यू के लिए इस बिंदु ए से इस बिंदु बी पर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको पता है जो विभवांतर बी ए माइनस बी बी होता है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ये आप लोग सबसे पहले इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ चुके हैं, बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू जीरो होता है। आपको पता है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा जीरो होता है, तो इसकी जगह पर आप जीरो लगा देंगे। डब्ल्यू आपको वर्क जो है फाइंड आउट करना है, क्यू को क्यू रहने दीजिए, देन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यहां से हमें ये पता चला कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम किसी भी चार्ज को लेकर जाएं तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से वो न्यूमेरिकल भी दे देता है, आवेश की अलग अलग वैल्यू देता है, कहता है कि 10 कूलाम के आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वो कितना भी चार्ज क्यों ना दे, हर चार्ज के लिए डब्ल्यू कितना आएगा? जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से वो नंबर बदल बदल के क्वेश्चन पूछता रहता है, हर कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में अलग से पूछी जाती है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करते, कभी भी कट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन हम आप लोगों को बता दें। देखिए, हमने दो समविभव पृष्ठ ले लिए, एक समविभव पृष्ठ ये है, दूसरा समविभव पृष्ठ ये है। अब हम क्या काम करेंगे? देखिए, इस समविभव, इन दोनों समविभव पृष्ठ के लिए हम क्या काम करेंगे? कट करा देंगे। इस समविभव पृष्ठ और इस समविभव पृष्ठ को हमने कट करा दिया। जब ये दोनों समविभव पृष्ठ यहां पर और यहां पर कट करेंगे तो देखिए, कट करने पर क्या होगा, यहां पोटेंशियल का कुछ अलग वैल्यू होगी और यहां पर पोटेंशियल की कुछ अलग वैल्यू होगी, और ये पूरी तरीके से असंभव है क्योंकि समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो विभव होता है वो हमेशा समान होता है। अगर हम दो समविभव पृष्ठ को कट करा देंगे, अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उन कटान बिंदुओं पर विभव के मान दो अलग अलग होंगे, मतलब विभव के दो अलग अलग मान होंगे, जो कि असंभव है। इसीलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। जो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा, यहां भी जो वैद्युत बल रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही है ये पृष्ठ के लंबवत है। यहां पर अगर हम वैद्युत बल रेखाएं, यहां अगर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचे तो ये वैद्युत बल रेखाएं भी क्या आएंगी? पृष्ठ के लंबवत आएंगी। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं होगी, पृष्ठ से किसी एंगल पर झुकी हुई होंगी, किसी न्यून कोण पर झुकी हुई होंगी, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ के अनुदेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपनी कोई वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पृष्ठ के अनुदेश कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जिसकी वजह से अगर हम आवेश को समविभव पृष्ठ पर लेकर जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जानते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी भी चार्ज को ले जाने पर हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। इसीलिए समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा
हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इसके 5 पॉइंट्स थे, मतलब इसके गुण थे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या है। बहुत जल्दी से एक बार इसके लिए रिपीट कर देते हैं। डेफिनेशन आपने समविभव पृष्ठ की पढ़ ली कि वैद्य क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके गुण में सबसे पहली बात, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। सेकेंड पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी चार्ज को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। फोर्थ पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं काटते, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगे तो उन कटान बिंदुओं पर विभव के दो अलग अलग मान होंगे, जो कि पूरी तरीके से असंभव है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव हमेशा समान होता है। फिफ्थ पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं होंगी तो पृष्ठ के अनुदेश वैद्युत क्षेत्र की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसकी वजह से चार्ज को ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य हमें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर किसी भी चार्ज को ले जाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा दें, हालांकि हम बता चुके हैं फिर भी, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 माइक्रोकूलाम का एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। 5 माइक्रोकूलाम के किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, गणना कीजिए। चलिए इसके लिए करते हैं। उसने क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलाम दी है, आप माइक्रो हटा दीजिए, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10^-6 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमें बल बताना है, कार्य बताना है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, डब्ल्यू बराबर होता है क्यू बी ए माइनस बीबी, क्योंकि बी ए माइनस बीबी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्यू बी ए माइनस बीबी हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ क्यू की वैल्यू 5×10^-6 और बी ए माइनस बीबी हमेशा हमेशा 0, क्योंकि समविभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा 0 होता है। इसीलिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई करने पर वर्ग टर्म कितना आ जाएगा, 0, अर्थात 5 माइक्रोकूलाम के चार्ज को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या? अभी आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया था, समविभव पृष्ठ को ड्रॉ किया था। देखिए, ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया और हमने यहां पर एक सरफेस ड्रॉ कर लिया और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमने वी वन मान लिया। ऐसे ही सेम हमें दूसरा प्रश्न ले लेंगे, ये हमने कोई सेकेंड सरफेस ले लिया और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमने V2 ले लिया।
एक चीज हमने आप लोगों को बताई थी इसी चैप्टर में कि जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटती चली जाती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कम होता चला जाता है। अब आप इस बात से यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले सरफेस पर जो पोटेंशियल V1 है वो डेफिनेटली पोटेंशियल V2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो कम होता चला जाता है। जितना पोटेंशियल यहां पर है उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा। जैसे जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इतना यहां से क्लियर हो गया कि यहां V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी V1 की वैल्यू V2 से बड़ी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि V2 इज लेस देन V1। अब यहां से लेकर यहां तक की कोई ना कोई दूरी भी होगी, इस दूरी को हमने डेल्टा x मान लिया, और इन दोनों के जो विभव हैं इनका डिफरेंस हमने V2 माइनस V1 जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने डेल्टा b मान लिया। V2 माइनस V1 को हमने डेल्टा b मान लिया। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन ये होती है, विभव प्रवणता जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है वो डेल्टा b अपॉन डेल्टा x होती है, और इसमें माइनस और लगाया जाता है। माइनस क्यों लगाया है उसका भी हम आप लोगों को रीजन बताएंगे कि माइनस हमने क्यों लगाया है। तो विभव प्रवणता देखिए, यहां पर यह आपको पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव हमेशा कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो दूरी के साथ साथ जो विभव परिवर्तन की दर होती है उसी दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बनी, वैद्युत क्षेत्र के अनुदेश दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर डेल्टा x दूरी में परिवर्तन करने पर अगर विभव में परिवर्तन डेल्टा b हो जाए देन विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा b बटे डेल्टा x होगा। माइनस हमने इसलिए लगाया है, माइनस साइन यहां पर यह बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी दूरी बढ़ने पर विभव हमेशा कम होता चला जाता है। तो माइनस साइन यहां पर यह इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे डेल्टा x दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव हमेशा कम होता चला जाएगा। इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि डेल्टा बी पोटेंशियल है इसका यूनिट वोल्ट होता है, डेल्टा एक्स दूरी है इसका यूनिट मीटर होता है, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। और ये जो विभव प्रवणता है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप लोगों को केवल एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है कि दूरी के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र, या फिर ऐसे लिखेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये विभव प्रवणता हो गई। अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन है उस रिलेशन को हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो आप लोग बुक से एक बार इसे रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ अब नहीं आता है, वो डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल में यूज है, इसीलिए हम इस रिलेशन को पढ़ेंगे। और डायरेक्ट हमको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जब हम इसके लिए प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होती है। तो रिलेशन क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यही विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। अगर ये संबंध लिखने को आता है तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रख लेना है, E बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां से इस विभव प्रवणता का बड़ा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। विभव प्रवणता का मोस्टली एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो यहां पर हम आपको एक दो विभव प्रवणता के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो इसका अवकलन रूप पहले देख लीजिए, अवकलन रूप डिफरेंशियल फॉर्म विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या होता है वो हमें पढ़ना है। देखिए ये आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसका जो अवकलन रूप होता है वो वेक्टर E बराबर माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड। ये कहां से आता है, देखिए ये जो हमारा फार्मूला है E बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स एक जनरल फार्मूला है, ये पर्टिकुलर हमने किसी भी डायरेक्शन के लिए नहीं कहा है। चाहे तो यहां पर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, ये सभी डायरेक्शन के लिए है, लेकिन यहां डेल्टा एक्स लगा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक्स अक्ष के लिए है, केवल एक्स डायरेक्शन के लिए। अगर हम तीनों डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको पता है एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई होता है। अब यहां पर तो वेक्टर लगा नहीं था ई पर, जैसे ही मैं यहां पर वेक्टर लगाएंगे ई के ऊपर वेक्टर लगाएंगे वैसे ही डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स का यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी का वेक्टर बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में उसका जो इकाई सदिश होता है उससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो यहां पर देखिए एक्स अक्ष की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो यहां डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई, वाई अक्ष की डायरेक्शन में निकालेंगे तो डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा इनटू में यूनिट वेक्टर जी, और जेड एक्स की डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो डेल वी अपॉन डेल जेड और इनटू में यूनिट वेक्टर के। तो इस तरीके से ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में वेक्टर फॉर्म में अवकलन रूप में रिलेशन हो गया। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए एक दो इसका हम न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए हम कराते हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों को हम पढ़कर सुनाएंगे, यहां पर आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बाकी जो न्यूमेरिकल है इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को हम देंगे ही। क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु एक्स पर जो विभव है बी बराबर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टेन है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव b बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है। x बराबर 1 पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए, वैद्युत क्षेत्र बताइए। x बराबर 1 पर हमें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इस विभव को देखकर ही आपको पता चल रहा है कि इसमें ये जो विभव है वो केवल एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जो विभव है सॉरी वो केवल एक ही वेरिएबल में है, केवल एक्स वेरिएबल में है विभव। इसीलिए यहां पर जो हम ई निकालेंगे वो केवल डेल वी अपॉन डेल एक्स आई होगा, ठीक है। तो यहां पर जो E होगा ये क्लियर हो गया, इस विभव को देखकर ही क्लियर हो रहा है कि E बराबर यहां पर माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स बनेगा, क्योंकि यहां पर Y और Z कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां जो पोटेंशियल है जो विभव है वो केवल और केवल X का फंक्शन है,
यहाँ वाई और जेड नहीं है, इसीलिए केवल ई बराबर माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स का यूज होगा, वेक्टर ई बराबर माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। चलिएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए देखिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, इसका एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा अवकलन। अवकलन आप लोग जो मैथ्स वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग मैथ्स में इलेवेंथ में आप लोग अवकलन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं। जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए हम डिफरेंशियल का फार्मूला बता दे रहे हैं। वो लोग फार्मूला बहुत अच्छे से अपना कहीं नोट करके याद कर लें कि डिफरेंशियल का फार्मूला होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। यानी जब हम किसी का डिफरेंशियल करते हैं तो जो पावर होती है वो तो गुणा में आ जाती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है, ये होता है डिफरेंशियल अवकलन। यानी अवकलन जब हम किसी भी फंक्शन किसी भी पावर का अवकलन करते हैं तो जो पावर होती है वो गुणा में आ जाती है और ऊपर से वेरिएबल में एक पावर घटा दी जाती है। जैसे अगर हम एक्स की पावर फोर का डिफरेंशियल करें तो जो फोर पावर है वो तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में और ऊपर से पावर में एक भी कमी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4x की पावर 3 इस x की पावर 4 का डिफरेंशियल। क्लियर हो गया? तो हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट तो इस सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उन्हें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, ये केवल और केवल बायो वालों की वजह से हमने यहाँ पर इतना समझा दिया है, तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान देना है। चलिएगा अब यहाँ आ जाइए, हम यहाँ डेल वी और डेल एक्स को निकालते हैं। ठीक है, एक चीज आप लोगों को और बता दें, जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो अगर कोई नंबर या कोई भी जो हमारा अचर है वो अगर आ रहा है किसी चर के साथ में तब तो वो सेफ रहता है, और जब अचर अकेला होता है उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है तो हमेशा उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। जैसे यहां पर देखिए 5 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, इसीलिए 5 बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि 5 जो 5 है वो यहाँ पर एक अचर है, एक नंबर है, और जो नंबर किसी चर के साथ आता है तो सेफ रहता है। यहाँ पर भी देखिए जो नंबर 2 है वो x के साथ आ रहा है, चर के साथ आ रहा है, इसीलिए 2 सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो 10 है वो किसी चर के साथ नहीं है, 10 बिल्कुल अकेला है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसीलिए 10 का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए जो अचर किसी चर के साथ होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, और जो अचर बिल्कुल अकेला होता है उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसका डिफरेंशियल हमेशा जीरो हो जाता है। तो चलिएगा अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल में 5 तो बिल्कुल सेफ रहेगा है, हमें पता चल गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है इस वाले रूल से, जो पावर 2 है वो तो आ जाएगी गुणा में, ऊपर से पावर में 1 कम हो जाएगा, माइनस 2 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ है x, x का मतलब x की पावर 1, जब x पर कोई पावर नहीं लग रही है तो 1 पावर तो होगी, तो यहाँ पर जो x की पावर 1 है तो वो 1 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर से x में 1 पावर में और कम हो जाएगा, 1 तो वैसे भी पावर थी इसकी, अब 1 और कम हो गई तो 1 माइनस 1 हो जाएगी और प्लस 10 का डिफरेंशियल 0, क्योंकि जो अचर होता है जब वो अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 × 5 = 10 एक्स, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा तो एक्स रह गया, और माइनस का 2। देखिए यहाँ एक्स की पावर 0, 1 माइनस 1 0, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसीलिए यहाँ एक्स की पावर 0 का मतलब 1 बन गया। तो ये आ गया आपका 10x - 2, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स आ। तो अतः ई बराबर हो गया, वेक्टर ई बराबर हो गया माइनस आई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10x - 2। लेकिन ये वैद्य क्षेत्र हमें कहां पर बताना है, x बराबर 1 पर। इसका मतलब x बराबर 1 पर वैद्य क्षेत्र निकालने के लिए x की जगह पर यहां हम 1 लगा देंगे, तो यहां लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा
माइनस आई और टेन इंटू एक्स की जगह वन लगा दीजिए और माइनस दो, तो माइनस आई, अब टेन में से टू माइनस करिए एट बचेगा, तो माइनस का कितना आ गया एट आई, वेक्टर ई का मान आ गया माइनस एट आई। लेकिन हमें वृत्त क्षेत्र आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण देखिए कितना हो जाएगा, परिमाण किसी भी वेक्टर का परिमाण बनाने के लिए, ये आप लोगों को अगर ध्यान हो 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जेड के गुणांक का स्क्वायर, सॉरी किसी भी वेक्टर का जब हम परिमाण निकालते हैं तो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर करके उन तीनों को जोड़ के उनका वर्गमूल ले लेते हैं। ये आप लोगों ने 11th में वेक्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर जब हम ई निकालेंगे तो आई का गुणांक यहाँ पर माइनस आठ है तो माइनस आठ का स्क्वायर हो जाएगा, जे यहाँ पर नहीं है इसलिए जीरो का स्क्वायर, यहाँ के भी नहीं है इसीलिए यहाँ पर जीरो का स्क्वायर, और सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा एट आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई एट। समझ में आ गया किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर करते हैं प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर करते हैं प्लस के गुणांक का स्क्वायर करते हैं और इसके बाद उन तीनों को जोड़ के उनका वर्गमूल ले लेते हैं और जो भी वैल्यू आती है वही हमारा फाइनल उसका परिमाण होता है। तो उसी आधार पे हमने इसका किया है माइनस एट आई का, तो माइनस एट आई से जब हम ई निकालेंगे तो आई का गुणांक यहाँ माइनस एट है तो माइनस एट का स्क्वायर, जे यहाँ पर है ही नहीं तो जे का गुणांक जीरो हो जाएगा, के भी यहाँ पर नहीं है इसलिए के का गुणांक भी जीरो हो जाएगा, इन तीनों को जोड़िए और उनका वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ आठ का वर्ग चौंसठ और चौंसठ का वर्गमूल आठ हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका हो गया आठ। ठीक है, तो ये हमारा विभव प्रवणता और वृत्त क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हो गया, बाकी हम इसका एक दो न्यूमेरिकल कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं, आगे की बात कल करेंगे।